ठीक है। और ये डिजिटल दहशतगर्दी भी एक नया डायमेंशन है इमरान खान साहब के दौर में, फिफ्थ जनरेशन वॉर, ये इस्तेला इंट्रोड्यूस कराई गई थी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, हमने सुनी थी। और अब डिजिटल दहशतगर्दी, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी इससे पहले आया था, तो उसमें भी ये इस्तेला इस्तेमाल की गई थी। बात यह कि इसको काउंटर कैसे किया जाएगा, डिजिटल दहशतगर्दी को, फायरवॉल के जरिए, पीका के जरिए, आपके ख्याल में काउंटर करने में कामयाब होंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तबसरा करते हुए कहा है कि 70 की दहाई में जीने वाले वो ना बलद हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, और वो इस तरह से हमें डिजिटल दहशतगर्दी के लकब बांट रहे हैं। आपके ख्याल में इफेक्टिवली इसको काउंटर किया जा सकता है इन मेयर से जो अब लेने जा रही है गवर्नमेंट, या चले एस्टेब्लिशमेंट बाय अरेस्ट, जैसे अभी रऊफ हसन साहब की अरेस्ट हमने देखी, या क्रैकडाउन? देखिए, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जो नोशन था ना, बाजवा साहब की तरफ से ही आया था, उसके दो पहलू थे। अब वो शायद वो पहलू उनमें से एक आध मिसिंग है, इसीलिए अब डिजिटल टेररिज्म की बात हो रही है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की तरफ से फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर डिजिटल मीडिया के जरिए हो रहा है, और उसमें उनका इशारा ये भी था कि कुछ सहाफ़ी या कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली या अनविटिंगली वो उसका हिस्सा बन गए हैं, जबकि वो रियासत के इदारों को की क्रिटिसिज्म करते हैं। तो वो, और उनको इल्ज़ाम ये लग रहा था कि ये फॉरेन इंस्पायर्ड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। पहले तो डायरेक्ट फिजिकल वॉरफेयर होती थी, अब एजेंसियां जो हैं मुख्तलिफ ममालिक की, वो दे यूज डिजिटल मीडिया एंड दे यूज प्रोपेगेंडा विच इज़ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, फेक न्यूज़ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, इसको इस्तेमाल करें। मगर आज की जो सिचुएशन है उसमें अब फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात नहीं हो रही, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान और इंडिया और मे बी सम अदर कंट्रीज, बट बेसिकली इट वाज इंडिया इंस्पायर्ड। यहाँ अब डिजिटल टेररिज्म की जो बात हो रही है वो तो बेसिकली इट्स टारगेटिंग इमरान खान PTI एंड हिज सोशल मीडिया टीम। तो एक तो ये डिफरेंस है बिटवीन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एंड डिजिटल टेररिज्म। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या ये इसको काउंटर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अब दुनिया में काउंटर तो हुआ है, चाइना सबसे बड़ा एग्जांपल है। चाइना के अंदर ऐसी ऐसी फायरवॉल्स बनी हुई हैं और ऐसे ऐसे उन्होंने सेफगार्ड्स किए हुए हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को या चाइना की रियासत को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, और अगर कोई करता भी है तो उसकी आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं होती, वो वहीं दबी जाती है। और वहाँ बहुत से डिजिटल मीडिया के ऊपर कंट्रोल्स हैं और बहुत से कानून हैं जिसके तहत वो लोगों को पकड़ के अंदर कर देते हैं। बट चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, वो कहते भी नहीं है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, वो तो वन पार्टी रूल, वन पार्टी का स्टेट है वो तो। और वहाँ रेजिस्टेंस जिस तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ हो रही है या एक ज़माने में चाइना में शुरू हुई थी, वो उस किस्म की रेजिस्टेंस भी नहीं है वहाँ। तो इसलिए चाइना के अंदर तो बिल्कुल इज नो फ्री मीडिया, फॉरगेट अबाउट डिजिटल, वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल्स हैं। अच्छा, अब फिजिकली तो कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं, और चाइना के अंदर तो जुडिशरी भी नहीं है ना जो कि अवाम के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, बिकॉज़ देयर इज नो नोशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज सुप्रीम। अच्छा, अब एंड द जुडिशरी इज इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। यहाँ हमारे यहाँ तो जुडिशरी सपोज टू बी इंडिपेंडेंट एंड द लॉ पार्लियामेंट इज सपोज टू मेक द लॉज, और जो हमारे रियासत के दायरे हैं दे सपोज टू ओबे ऑल दैट, दैट्स द थियरी। प्रैक्टिस में तो हर कुछ और हो रहा है, मगर इसलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन अब यहाँ ये जो कंट्रोल्स, जो जिस किस्म के कंट्रोल्स चाइना में है या और भी ममालिक हैं वहाँ उन्होंने ऐसे कंट्रोल्स किए हैं, यहाँ वो कंट्रोल्स करना मुश्किल है। उसके दो पहलू हैं, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है टू इफेक्ट दीज कंट्रोल्स। आप बैन कर सकते हैं ट्विटर को, आप यूट्यूब को बैन कर सकते हैं, मगर उनके ऊपर कंट्रोल्स लगाना इज वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी डिफिकल्ट गिवन द रिलेशनशिप विद वाईफाई एंड इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस। इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस जिसके अंदर पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दोस इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इसके दैट वाईफाई एंड इंटरनेट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी। अच्छा, अब एंड फॉर दैट रीजन एक तो ये इनके ऊपर अगर कंट्रोल लगाएंगे तो आप या पूरा कंट्रोल लगाएं या आप ये अधूरे कंट्रोल जो है ये लोग बाईपास कर देंगे बाय वन रीजन और अनदर। दूसरी चीज़ ये है कि इनको चैलेंज किया जाएगा, पीका लॉ को भी चैलेंज किया जा सकता है और किया भी था, अभी जो पंजाब के अंदर जो कानून पास किया इन्होंने वो भी चैलेंज हो गया। एट द एंड ऑफ द डे चाइना के अंदर तो कोई चैलेंजेस नहीं है,
तो यहाँ तो आप चैलेंज के लिए तो हर चीज चैलेंज है यहाँ तो, वी ऑल गो टू द जुडिशरी. और आजकल जिस किस्म का मूड है जुडिशरी का, उस मूड के अंदर इस किस्म की ब्लैंकेट बैनिंग करना मुश्किल हो जाएगा. जुडिशरी मे नॉट सपोर्ट इट, पहली बात ये. तो इसको सिलेक्टिवली करेंगे तो, अगर ज्यादा बढ़ के करेंगे तो ट्विटर एंड यूट्यूब वगैरह दे मे प्रोटेस्ट, बिकॉज देखिए दीज आर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर देम एंड दीज आर सोर्सेज जिसके ऊपर वो लड़ेंगे आपके साथ. और अगर आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए तो आपकी सारा कारोबार ठप हो जाएगा इस मुल्क का, आपकी सारी एक्सपोर्ट्स बैठ जाएंगी, आपकी इम्पोर्ट्स बैठ जाएंगी और आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे हर जगह पे. अभी ऑलरेडी हमारे जो बैंक्स हैं दे आर इन ट्रबल बिकॉज मेनी ऑफ देम आर अनएबल टू कैरी आउट एफिशिएंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बिकॉज ऑफ स्टेट बैंक के जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं इस वक्त. तो ये तो सारा मुल्क बैठ जाएगा इस तरीके के साथ. तो ये दो किस्म की पाबंदियां हैं इस वक्त जो कि रियलिज्म अगर आप देखें तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इजी. मगर इसीलिए उन्होंने कानून ये बनाया कि अगर हम सारा बंद नहीं कर सकते तो जो बंदा उसको वायलेट करेगा उसको पकड़ के ले जाएंगे. तो ये अब थोड़ी बहुत पाबंदियां आपको डिजिटल की होंगी, ट्विटर उड़ जाएगा, ये हो जाएगा, फिर आ जाएगा यूट्यूब जो है थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, किसी दिन वाईफाई गिर जाएगी, ये चलता रहेगा. मगर ये कंसिस्टेंट नहीं होगा. कंसिस्टेंट वही होगा कि लोगों को पकड़ के ले जाएंगे जैसे रऊफ को पकड़ के ले गए, क्योंकि रऊफ ने ऐसी बातें कही हैं जो कि अब वो वायरल हो रही हैं. फिर पीटीआई वाले इस वक्त आर्मी चीफ को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, काफी बेहुदा किस्म की अटैक कर रहे हैं. कोई भी इदारा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. एंड इस किस्म की और भी बहुत सी चीजें हो रही हैं. तो मेरा ख्याल है उन्होंने लिस्टें विस्टें बना ली हैं और अब यही होगा कि दे विल जस्ट कीप पिकिंग अप पीपल जो कि ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या ये रील्स में वो फौज को अटैक करेंगे या रियासत के इदारों को अटैक करेंगे. दे विल जस्ट गो एंड पिक देम अप एंड लॉक देम अवे. एंड जुडिशरी के पास लोग जाएंगे रिलीफ के लिए. आयशा जुडिशरी बेचारी कहेगी रिलीज करो, लेके आओ. और वो आप देखते हैं क्या होता है, वो कौन आता है और कौन नहीं आता और कब आते हैं और कब नहीं आते और जब आते हैं तो किस हाल में होते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते. क्या इसमें जुडिशरी को भी मैसेज है कि इन अफराद को कानून और सजाएं ही रोक सकती हैं? जुडिशरी के साथ तो अभी मेरा ख्याल है प्लानिंग हो रही है कि जुडिशरी के साथ कैसे रابطे किए जाएं और कैसे मामले तय किए जाएं. बिकॉज जिस मूड में जुडिशरी है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते. किस चीज को वो बैन कर देगी, किस चीज को वो आउटलॉ कर देगी, किस चीज को पिटिशन एक्सेप्ट कर लेगी, किसकी राय जो है उसको रिजेक्ट कर देगी. इस वक्त तो जुडिशरी काफी अग्रेसिव मूड में है और वो जो फैसले आ रहे हैं दे आर ऑल फ्रेंकली दे आर ऑल कंट्रोवर्शियल एंड दे आर ऑल वन साइडेड. ठीक. अच्छा, इसमें जो उनकी स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि क्या इमरान खान साहब ये बात करने में हक बजानिब हैं कि 70 की दहाई में कुछ अपराध जी रहे हैं जो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस को और इफेक्टिवनेस को इस दौर में पहचान नहीं पा रहे, जिनमें हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और शायद एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहे हैं? अब बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और बड़े तरीके से खान साहब ने ये बात कही है. अब ऑन द फेस ऑफ इट तो समझ नहीं आ रही कि यार 70 के साथ क्या ताल्लुक है और ये कि जी लोगों को समझ नहीं आ रही. दरअसल एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ी सी इसको जैसे कहते हैं ना डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. बेसिकली खान साहब ये कह रहे हैं कि ओए 1970-71 में तो कोई सोशल मीडिया नहीं था बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए मुल्क टूट गया और किसी को पता ही नहीं चला फैसले कैसे हुए, कौन सही था कौन गलत था, कौन सी पॉलिसी सही थी कौन सी पॉलिसी गलत. और अगर आप समझते हैं कि ये उस किस्म का माहौल है कि यू कैन गेट अवे विद ऑल दिस, ये नहीं हो सकेगा, तो ये आप भूल जाएं. आई डोंट इवन थिंक कि यू आर एबल टू, यू विल कीप दिस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री फ्रॉम कमिंग आउट. ये वो कह रहे हैं, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. अच्छा, अब सिचुएशन ये देख, खान साहब यही कह रहे हैं कि अब आप नहीं रोक सकेंगे आवाम को फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि पीटीआई का मौकफ क्या है एंड सो ऑन. तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. ओके, सियासी मंजरनामे पर जारी इस कश्मकश को मजीद डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद. तुम एक बार फिर खुश आमदी.